आज की जो रेसिपी है वो है अजवाइन चाय या अजवाइन पानी कहिए, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इसका सेवन विंटर में करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए मैंने ले लिया ये 2 कप पानी, इसमें जाएगा 1 चम्मच अजवाइन और ये आधा चम्मच काला नमक और ये आधा नींबू। तो हम पानी को एक पैन में डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे उसमें अजवाइन और ये काला नमक। इस पानी को कुछ देर तक उबालना है ताकि जो अजवाइन का औषधीय गुण है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। तो मैंने इसको डाल दिया और ये अब उबलना शुरू हो रहा है। अजवाइन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। जब ये उबलने लगे तब मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी हींग। अजवाइन पानी का रोज़ यूज़ करने पे, खासतौर पे खाली पेट सुबह में, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वज़न घटाने में हेल्प करता है। विंटर में इसका यूज़ करने से हम सर्दी खांसी कफ से बच जाते हैं। हृदय रोग में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये चाय हमारी बन गई। आपने देखा कैसे जो पानी का लेवल था वो रिड्यूस हो चुका था। तो आप समझिए चाय पक गई और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये मैंने चाय को छान लिया। गर्मा गर्म इसका सेवन आप इस विंटर में ज़रूर करें। इसमें जाएगा अब ये नींबू। तो इसमें मैं अब नींबू जो है निचोड़ दूंगी, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आपको ये रिफ्रेशिंग भी लगेगा और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो रात को सोते समय और सुबह में मॉर्निंग में इसका सेवन ज़रूर करें। बच्चों को भी दे, बच्चों को ज़्यादा ना दे, पर हाँ बच्चों को भी आप 1-2 चम्मच अजवाइन पानी दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।